आदाब नाज़रीन, ज़ैन टीवी में आपका इस्तकबाल है। शहर की हर अहम खबर से आपको रखता है ज़ैन टीवी बाखबर। देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। यादगीर में कामयाब नाइट टूर्नामेंट टीम मदीना डेवलपर यादगीर की जानिब से यादगीर के मदीना कॉलोनी में यादगीर की कुल 32 क्रिकेट टीम्स के बीच रखा गया था। इस नाइट टूर्नामेंट 15 अप्रैल 2022 से हुआ, जिसका इफ्तिताह यादगीर साबिका एमएलसी तुन्नो चन्ना रेड्डी के हाथों हुआ, जिसमें यादगीर सीएमसी कमिश्नर शरणप्पा अब्दुल गफ्फार वर्सेस हफीज पटेल अब्दुल रऊफ सिद्दीकी ने मेहमानों खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर टीम मदीना डेवलपर दादा पीर शेख कमरुल इस्लाम सैयद मुजम्मिल मीर परवेज पटेल खदीर जे के एल एस रियाज ने तमाम मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की, जबकि साबिका एमएलसी तुन्नो चन्ना रेड्डी शरणप्पा सीएमसी कमिश्नर ने खेल का आगाज किया था। 7 मई 2022 को कुल 32 टीमों में फाइनल तक पहुंचने में कामयाब टीमें जी गेस्कॉम जॉन्टिस स्पोर्ट्स 2 ने 7 मई 2022 को फाइनल मैच के लिए टॉस जीतने के बाद जी गेस्कॉम ने फर्स्ट बैटिंग का फैसला लेकर 38 रन पर ही ऑल आउट हो गए, जबकि जॉन्टिस स्पोर्ट्स 2 ने सेकेंड इनिंग्स में आसानी से चेस करते हुए फाइनल मैच जीत कर फर्स्ट प्राइज में नेट कैश 10,000 रुपए और ट्रॉफी हासिल किया, जबकि सेकेंड प्राइज नेट कैश 5,000 रुपए और ट्रॉफी जी गेस्कॉम को दिया गया, जबकि मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी श्री राम सिद्धू ने हासिल की। बेस्ट बैट्समैन भी श्री राम सिद्धू ही रहे, बेस्ट बॉलर अम्बरीश रहे, जबकि इस पूरे टूर्नामेंट का मैनेजमेंट अब्दुल समद मोहम्मद इरफान जॉन्टी जाकिर अत्तार ने किया। इसके अलावा अब्दुल समद ने पूरी सीरीज की शानदार कमेंट्री की। ಬೇಟೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ರೀಡೆ ಇಂತಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ನಾವು ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಬಟ್ ಈ ಯಾರಿಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
टीम जॉन्टी स्पोर्ट्स और उनके तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बेहतरीन खेल पेश करते हुए आज के इस फाइनल मैच में जीत हासिल की। और इस मुबारकबाद के साथ साथ मैं चाहूंगा इस टूर्नामेंट के बारे में, टीम मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है उसके बारे में थोड़ा, और अपने परफॉर्मेंस के बारे में, टीम के बारे में, और जीत की क्या राज है वो भी हमें तफसील से बताएं। शुक्रिया समद भाई। इस टूर्नामेंट के बारे में मैं आपको कहूं तो काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट, इस नाइट टूर्नामेंट खेला गया। मदीना डेवलपर की तरफ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ऑर्गेनाइजर का, और इसमें तमाम जितने लोग भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। जिस तरीके से भी मदीना यहाँ पे जो डेवलपर्स, यानी कि ये मदीना एक कॉलोनी है जो नई नई अभी यहाँ पे बनी हुई, आपको यहाँ पे हर तरीके से प्लाट मिल सकते हैं। तो मदीना डेवलपर्स को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइजर किया। उसके बाद मैं तमाम ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि टूर्नामेंट को अच्छी तरीके से ख़त्म किया। उसके बाद मैं जितने भी इस टूर्नामेंट में टीमों ने हिस्सा लिया है उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और रही बात टूर्नामेंट की टीम की, काफ़ी टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए थे, 32 टीमों ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। हम लोग थोड़ा सीनियर रहने की वजह से पहले से हमने गेम प्लानिंग किया था कि हमको इस तरीके से खेलना है, इस तरीके से खेलना है, तो उस प्लानिंग पे हम इस टूर्नामेंट में हर मैच में खेल पाए। और तमाम मेरे प्लेयर्स को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सिद्धू, इरफान, यानी कि तमाम जितने भी शफो भाई सीनियर प्लेयर जो मेरे साथ हैं, काफ़ी सीनियर हैं इस यादगिर के, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। और टूर्नामेंट को हमने नहीं जीता, तमाम टीमों ने जीता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स खेल हार जीत एक पार्ट है, सबने जीता है, मैं इससे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आगे का अंदर समझ भी, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, आपकी टीम जो यहाँ तक आई है, फाइनल तक पहुँची है, तो एक अच्छी टीम है, तो लिहाजा इसका ज़्यादा गम ना करें। और उम्मीद करते हैं आगे जो भी टूर्नामेंट होगा आप इंशाल्लाह उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये कहते हुए मैं आपके इस टूर्नामेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ अगर इसमें टूर्नामेंट में कुछ कमी रह गई है तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट इधर ऑर्गेनाइज हुआ है, बिना कोई शिकायत नहीं सर, टूर्नामेंट इधर हुआ है, बहुत अच्छा खेले, हम भी अच्छा खेले, सामने वाले भी हमसे अच्छा खेले, वो जीते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोशिश करेंगे कि विनर्स हो, और हर कोई इधर सब जीतने के लिए आते हैं, जीती तो एक ही टीम जीतेगी, मगर खेलेंगे तो सब अच्छा। और कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इधर नाइट में, बहुत ही अरसे बाद शायद यादगिर में नाइट टूर्नामेंट हुआ, इसके लिए मैं सभी ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया अदा करता हूँ सर। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। काफ़ी अरसों के बाद यादगिर में जो है एक नाइट टूर्नामेंट का एक इंतज़ाम किया गया था, उसमें हम नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 18 साल पहले जो है एक नाइट टूर्नामेंट खिलाया गया था यादगिर में, तो इस वजह से जो है ना 18 साल के बाद मदीना कॉलोनी डेवलपर्स की तरफ से हम नौजवानों ने मिलकर खिलाया है। और जो हमारे को सपोर्ट करे हैं, जैसे कि मैनेजमेंट पूरा जो संभाले हैं, हमारे समद भाई हैं और इरफान है, जॉन्टी अत्थर है, जाकिर अत्थर हैं, इनका जो है हम मैनेजमेंट जो है ना उनका तहे दिल से जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं। उसी के साथ हमारे जो स्कोर बोर्ड जो लिखते थे हमारे मुबीन भाई, उन्होंने भी जो है ना रात रात तक बैठकर जो हमारा साथ दिया, उनका भी जो है ना मदीना कॉलोनी डेवलपर्स की तरफ से उनका भी जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये टूर्नामेंट जो फाइनल मैच जो खेला गया टीम जॉन्टी स्पोर्ट्स 2 और जी जिसकाम के बीच में खेला गया, जिसमें जॉन्टी स्पोर्ट्स 2 ने जी जिसकॉम को हराकर फाइनल मैच जीता और इस टूर्नामेंट का इस तरीके से अख्ताम हुआ। वो प्राइज़ दिया गया है वो टीम मदीना डेवलपर्स की तरफ से दिया गया है। फर्स्ट प्राइज़ 10,001 रुपया विद कप के साथ दिया गया है, और सेकंड प्राइज़ जो दिया गया है रनर्स अप टीम को 5,001 रुपया कप के साथ दिया गया है। साथ ही साथ बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का अवार्ड, बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी दिया गया है, और ये तमाम प्राइस टीम मदीना डेवलपर्स की तरफ से दिए गए हैं। कौन से मोर में सब जने ये फोन को देखो, वो फोन बेकार फोन है, यहाँ फोटो आने वाली है तुम्हारी, ये कैसा है मतलब जरा कप ले जरा पीछे दिख रहा हो।